अमरीका तो एक मंदभागी खबर सामने आ रही है जिथे मैसेच्यूसेट्स सूबे के शेफील्ड शहर में कार हादसे च तीन भारतीय विद्यार्थियों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक तीनों विद्यार्थी जिस कार दे विच सवार सी वो एक पिकअप ट्रक के नाल टकरा गए। दसिया जा रहा है कि तीनों विद्यार्थी दक्षिणी भारत के रहने वाले ने। इस हादसे दे विच जान गवाउण वाले विद्यार्थियों की पहचान प्रेम कुमार रेड्डी गोडा 27 साल, पवनी गुलापली 22 साल, साई नरसिम्हा पटमसैटी 22 साल वजो हुई है। स्थानक पुलिस मुताबक हादसे दे विच पांच होर जख्मी हो गए ने जिन्हों हस्पताल दाखिल करवाया गया। बर्कशायर डिस्ट्रिक्ट अटारनी के दफ्तर के वलों जानकारी दी गई है कि पुलिस घटना के विच शामिल दो गड्डियां दी टक्कर के मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने पीड़ित के परिवार वालों को सूचित कर दिता। इस दे नाल ही न्यूयॉर्क के विच कौंसुलेट जनरल को भी सूचना दी गई है। दस दिए कि स्थानक मीडिया मुताबक यह घटना शुक्रवार सवेरे 5:30 बजे की है। हादसे समय कार दे विच कुल 7 लोग सवार सन, जिन्हां दे विचों 4 नूं बर्कशायर मैडिकल सेंटर दे विच भर्ती करवाया गया। इस हादसे दे विच जख्मी हुए लोगों की पहचान 23 साल मनोज रेड्डी, 22 साल श्रीधर रेड्डी, 23 साल विजित रेड्डी और 22 साल हिमा ईश्वरिया के रूप में हुई है। पुलिस मुताबक 7 दे विचों 6 विद्यार्थी न्यू हैवन यूनिवर्सिटी दे विच पढ़ रहे सी। इस तों इलावा जिस गड्डी नाल कार की टक्कर हुई है उसे ड्राइवर नूं भी गंभीर सट्टां आईआं ने। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाबी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।